अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने साल भी आपका काम मिले है, 23 साल हो गए, 36 घंटा अलग हुए, आपका काम नहीं। आपके समाज में काम मिली, आपके परिवार में काम मिली, आपके गांव छोड़ने में काम मिली। अगर तुम उठाओ हो और भाई बहन हो, अगर दूसरे से नहीं जा रहे थे तो घर का भी ना, वो तो घर का छी छी, वो तो खेती बाड़ी छी छी। आप यह कहीं काम ना मारी। आज हम कहां हम अपनी चल बजे रहा था पहली हम बजे रहा बहुत कचरी का चौड़ी का रेजा मजदूरी का ज्यादा ज्यादा हो गया। मैं बेका हारा हूँ, सभी भाई बहन गलत बात है। आपको बताओ आजाद आज के युवा कहाँ है, आजाद के लेकर कहाँ है, जे लेकर अपन पढ़ाए लिखे, आज वो लेकर दारू पी के झूठ, गांजा पी के झूठ। हमें दूर मत पूछता ये गांजा बेचने वाला कौन है, ये दारू बेचने वाला कौन है, आखिर कौन है वाला संरक्षण दे वाला। मैं आपको पूछता हूँ, मैं भाई मैं साथ बताता हूँ, मतलब वोट मत दू, तुम मतलब वोट नहीं चाहिए, तुम क्या चाहो यही वही बड़े बात है वोट लिए। तो लड़का के सवाल है, तो भविष्य तो भविष्य के सवाल है। इन समझे लगी आप अल्लाह आते दलाल मन है, तू बेटी दारू धर जाते 10,000 की सर पैसा देख जाते, साड़ी कंबल देख जाते और आप वोट कर देते। अरे क्यों वोट करते हो भाई, जब इतने साल से समाज आपका हमारी स्थिति के आप देखो, हम लोग सिर्फ सिरपुर में बैठे हैं, है कि नहीं, मैं बताओ। हमारी इज्जत कहीं नहीं है भाई और बहनों, हम लोग सिर्फ मात्र एक वोट डालने का तरीका है, सिर्फ पानी पावर डिस्पोजर है, वोट डालने के लिए पैदा हुए हैं मात्र। मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छे आदमी को वोट दो, आपका वोट अधिकार मिला है उसको समझो, वोट इस अधिकार में आ गया है आपके जिंदगी में परिवर्तन आ सके। और अगर 20 साल से परिवर्तन नहीं आया है तो बार बार उसी आदमी वोट दोगे, क्या मतलब, कोई मतलब है क्या? मैं पूछता हूँ आपको, कोई मतलब है? अरे विकल्प चुनो, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो और हाथी छाप में वोट दो। बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक युवा हूँ, जगाने आया हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दो बहनों। अगर आपको लगता है कि इसकी सरकार में इस गरीबी में मेरे को बीजेपी से फायदा हुआ है, कांग्रेस को फायदा हुआ है, तो आप उसी को वोट दो। और आपको लगता है कि नहीं इसके रहने से मेरा घर लूटा, मेरा परिवार लूटा, तो आप उसको वोट क्यों दे रहे हो बहनों, क्यों दे रहे हो? मैं आपको पूछता हूँ, आपको अधिकार नहीं है अपने हक अधिकार से, आपको अधिकार नहीं है सुख शांति जीने जा कर बताओ। अरे क्यों क्यों भाई क्यों, मैं पूछता हूँ क्यों, आखिर क्या मिल रहा है आप लोगों को? हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ भाई और बहनों, अच्छा व्यक्ति चुनो और हाथ छाप में वोट दो। निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं जगाने आया हूँ जांच से माताओं बहनों बहनों, और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, इस बार भूपेश से भी पहले नाम है मेरा, 3 नंबर मेरा बटन है और हाथी छाप में आपको वोट डालना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? देखो मेरे को अमीर लोग का भी वोट नहीं चाहिए, जी जो करोड़पति का बना है उसको मेरे को नहीं चाहिए, जो दुखी आदमी होगा वो मेरे को, जो पीड़ित आदमी होगा वो वोट, जो 200 करोड़ में काम कर रहा है वो मुझे वोट दो। कलेक्टर रेट है 450 पता आप लोगों को, आप लोग को मिल रहा मात्र 200-250-300, बाकी पैसा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बाकी पैसा? ये तो दुष्ट वाला व्यक्ति है। निवेदन कर रहा हूँ भाई और बहनों, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से, आप हाथी छाप से वोट दो और दलालों से दूर रहो। बार बार हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, तो आप सबसे मैं विदा चाहूंगा, क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगे?
अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, छोटे बच्चों के लिए, अपने गांव या छोली के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के आप इच्छा आपसे वोट दीजिए और इस कार्यक्रम का आगे उठे। धन्यवाद।